साथियों, हम जानते हैं कि प्राकृतिक रेशे पौधों या जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। क्या आप किसी पौधे का नाम जानते हैं जिससे हमें तंतु प्राप्त होते हैं? आपने रुई का प्रयोग तो अवश्य किया होगा। आपके मन में प्रश्न जरूर आया होगा कि रुई कहां से आती है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या कुछ रुई जैसा दिख रहा है? हाँ, रुई इन्हीं पौधों से प्राप्त की जाती है। यह कपास का पौधा है। ये पौधा वहां उगाया जाता है जहां मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम सोचिए जहां हमारे देश में कपास की खेती की जाती है। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए और जानिए कि कपास की पैदावार हमारे देश में कहां कहां होती है। आपने क्या कभी हवा में कुछ रुई जैसा उड़ता देखा है? ये कपास के बीज होते हैं जिन्हें बिनौले कहते हैं। इन बीजों पर आपने तंतुनुमा संरचनाएं देखी होंगी। देखिए, यह खेत कपास चुने जाने के लिए तैयार है। पूरा खेत कपास के रोवों से भरा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बर्फ ने ढक लिया है। साधारणतया इन कपास बॉलों को हाथ से चुनकर इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद कपास से बीजों को पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना या गिनिंग कहते हैं। पुराने समय में यह काम हाथों से किया जाता था, लेकिन आजकल इस काम के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस चित्र को देखिए। यह चित्र पटसन पादप के खेत को दर्शाता है। यह खेत भी कटाई के लिए तैयार है। कटाई के बाद तनों को पानी में डुबाकर रखा जाएगा और गलने के बाद पटसन तंतुओं को हाथ द्वारा पृथक कर लिया जाएगा। क्या तंतु वस्त्र बनाने के लिए तैयार हैं? अरे नहीं, अभी नहीं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाएगा। क्या आप देखना चाहेंगे कि किसी भी तंतु से तागे कैसे बनाए जाते हैं? आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ आप भी ऐसा करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए
आपको थोड़ी रुई की जरूरत होगी। एक हाथ में रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। वह रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। आप कर रहे हैं ना? क्या आपका तागा तैयार है? इस प्रक्रिया का नाम नहीं जानना चाहेंगे? इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। आपने गांधी जी का चरखा तो जरूर देखा होगा। इस चरखे की मदद से तागा बनाया जाता है, जिसका प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। साथियों, हम जान चुके हैं कि तागा तंतुओं से बनता है। ऐसे बहुत सारे तागों से मिलकर ही वस्त्र बनता है। आइए हम बना के देखते हैं। मेरे पास ये तागा है और गत्ते का बना ये ढांचा है। इस ढांचे को मैंने गत्ते को बीच में से काटकर बनाया है। इसके दो विपरीत सिरों पर टेप की मदद से पेंसिल लगाई गई है ताकि तागे सतह से थोड़ी ऊंचाई पर रहें और ताना बाना बुना जा सके। अब तागे को पेंसिलों से बांधते हैं। देखिए कैसे। ये देखिए, हमारा आधार तैयार हो गया है। मेरे पास पहले से तैयार किया आधार रखा है। अब एक सुई की मदद से तागे को इस आधार में बुनते हैं। देखिए कैसे करते हैं। इसी प्रकार तागा बुनते जाते हैं। मेरे पास ये बुना हुआ वस्त्र तैयार है। वस्त्रों की यह बुनाई करघों पर की जाती है। जो या तो हाथ से चलाए जाते हैं या बिजली से। ये हमने वस्त्र बनाने का एक तरीका सीखा। आइए अब एक दूसरा तरीका देखते हैं। मेरे पास ये सिलाइयां हैं, साथ में ऊन भी है।
इन्हें देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रही हूँ। आपने अपने घर में स्वेटर बुनते जरूर देखा होगा। आइए हम भी बुनकर देखें। क्या ये बुनाई सिर्फ हाथ से होती है? नहीं, इस प्रकार की बुनाई मशीनों से भी की जाती है। तो आज हमने देखा कि तागे से वस्त्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। हमने दो प्रकार की बुनाइयों को करके देखा। दोनों प्रकार की बुनाइयों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। साथियों, अब आपके लिए एक परियोजना कार्य है। आपको खोजना है कि वस्त्र का इतिहास कितना पुराना है और किस प्रकार सुई या सिलाई मशीन का आविष्कार इस क्षेत्र में बदलाव लाया। आशा है तंतु से वस्त्र के विषय में जानकारी आपको ज्ञानवर्धक और रुचिकर लगी होगी।